जैसे ही हम धूल भरी सड़क की ओर जाते हैं, हम मानव अस्तित्व की अल्प उपस्थिति को सूचित करते हैं। वनस्पति कम से कम है, नम्र आवारा बकरियों ने शायद आखिरी बिट्स पर दावत दी है। दोपहर का सूरज तब उग्र होता है जब हम कस्बे के खंडहर हो चुके दरवाजों तक पहुंचते हैं। कुलधरा उजाड़ पड़ा है और चारों ओर एक अलौकिक मौन व्याप्त है। इस गांव को उसके लोगों ने 200 साल पहले छोड़ दिया था। शाम के समय एक चौपाल से उठकर कुछ गांव वाले अपने मुखिया के पीछे नम आंखों के साथ अपने अपने घरों की तरफ चले आ रहे थे। कोई बैठक हुई होगी शायद किसी दीवान शालिम सिंह के अत्याचार से बचने के लिए। मिर्गी एक खूबसूरत लड़की जिस पर वो शालिम सिंह फिदा था, जो कि उस समय इन सब बातों से दूर अपने भाई बहनों के साथ लोकगीत गुनगुनाते हुए खेलने में व्यस्त थी। इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, भ्रामक है या सच, इसकी पुष्टि हम नहीं करते। इन बातों का जमीनी स्तर से कोई वास्ता है भी या नहीं, इसकी पुष्टि यहाँ के रहवासी लोग करते हैं, जिनकी जुबानी सुन के अनुमान लगा सकते हैं। उससे पहले इतिहास और इतिहासकारों का इसके बारे में क्या कहना है। राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति अपने अलग अलग रंगों के कारण विश्व भर में अपनी विशेष पहचान रखती है। स्वाभिमान और लोक संस्कृति के रंगों से सरोबार इस राजस्थान का कण कण अपनी अलग कहानी लिए हुए है। इसी कड़ी में जुड़ा है जैसलमेर का कुलधरा। घटना है जैसलमेर के रियासत काल की। शौर्य और स्वाभिमान की प्रतीक जैसलमेर की एक ऐतिहासिक जाति पालीवाल, जिन्होंने अपने आत्म स्वाभिमान की खातिर एक ही रात में जिले के 84 गांव छोड़ दिए थे। आखिर ये पालीवाल थे कौन और इनका इतिहास क्या है? मूलतः पाली जिले से संबंधित पालीवाल जाति पाली से अपने निर्वासन के बाद जब इधर उधर भटक रही थी, तब जैसलमेर रियासत के तत्कालीन महारावल ने उनकी कर्मशीलता एवं उनके हुनर को पहचानते हुए उनसे जैसलमेर में बसने की गुजारिश की, ताकि इन कर्मशील लोगों के हुनर को काम में लेते हुए यहाँ की बंजर मरुभूमि में भी धान की पैदावार को बढ़ावा दिलाया जा सके। तत्कालीन महारावल ने उन्हें यहाँ बसते समय यह भी वचन दिया था कि आप लोग जब तक चाहें जैसलमेर में रह सकते हैं, राज्य आपके बसने का पूरा प्रबंध भी करेगा और आपसे इस राज्य में किसी भी प्रकार का कोई कर या लगान नहीं ली जाएगी। इससे यह अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि पालीवाल जाति किस स्तर की कर्मशील और प्रयोग धर्मी रही होगी। पालीवाल अपनी व्यापार कला एवं कुशाग्र बुद्धि के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर अपना भाग्य बनाया था। थार के रेगिस्तान में गेहूं की तरह की एक गहन पानी की फसल बढ़ाने की कला में वे लोग माहिर थे। वे जिप्सम और चट्टानी भूमि पर फसलों के लिए पानी बनाए रखने तथा सतह के नीचे चलने वाले पानी की पहचान कर उसे उपयोग में लेने वाले लोग थे। उस काल में जैसलमेर की आर्थिक समृद्धि की चाबी पालीवालों के हाथ में थी, जिसे पालीवालों ने कई बार साबित भी किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि एक ही रात में पालीवालों को अपनी बसी बसाई दुनिया छोड़नी पड़ी। कहा जाता था कि इस मरुभूमि में ना अकाल का कोई इलाज था और ना सालम का। पर्यटकों के कौतूहल और 84 उजाड़ पड़े गांव शालिम सिंह की ही देन है। लक्ष्मी चंद्र द्वारा रचित 1899 की इतिहास की पुस्तक तवारीख जैसलमेर के हवाले से कथान नामक पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा गांव में बसने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इस पुस्तक के हवाले से ये पता चलता है कि दरअसल खाबा गांव के पालीवाल की नवयौवना बेटी मिर्गी, जिसके रूप और सौंदर्य पर कामाशक्त हो दीवान शालिम सिंह ने उसे अपना बनाने के लिए कई लालच और प्रलोभन दिए। पालीवालों द्वारा दृढ़ रहते हुए अपनी कुल की परंपराओं का निर्वाहन करने और संस्कृति विरुद्ध संबंध नहीं किया।
इसी जिद के चलते इस दीवान द्वारा समस्त पली वालों पर बेजा कर लगा दिए गए, ताकि वे इनसे बचने के लिए उस नवयौवना का संबंध उसके साथ कर दें। जबकि उस काल में महारावलों द्वारा पाली वालों को ये वचन दिया गया था कि ब्राह्मण और कर्मशील होने के कारण उन पर जैसलमेर रियासत में कभी भी किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा। संवत 1880 की श्रावणी पूनम के दिन 84 गांव के पाली वालों ने काठौड़ी के एक ऐतिहासिक मंदिर में एकत्र होकर एक ही लोटे से नमक मिला पानी पीकर यह संकल्प लिया कि वे अपनी कर्म भूमि भले ही छोड़ देंगे, लेकिन शालिम के अत्याचारों के आगे शीश नहीं झुकाएंगे। मतलब ना तो वे शालिम सिंह के लगाए टैक्स को चुकाएंगे, ना ही उसकी हवस पूर्ति के लिए अपनी बहु बेटियों को उसके महल में भेजेंगे। इसी संकल्प के साथ उन्होंने हमेशा के लिए जैसलमेर को अलविदा कह दिया। लोगों का कहना है कि गांव वाले जाते जाते ये श्राप भी देकर गए थे कि यहाँ पर फिर कोई कभी बस नहीं पाएगा, इसलिए वर्तमान में राजस्थान के जैसलमेर का गांव एक शापित गांव कहलाता है। इस कुलधरा गांव और इस उजाड़ पर स्थानीय लोगों का क्या कहना है देखिए। हाँ हाँ, मुझे पता है यहाँ सारे पर्यटक भूत देखने के लिए आते हैं और देखना चाहते हैं कि लोग कहाँ से भागे हैं। वे उनमें रुचि रखते हैं। मैं यहाँ 60 साल से ज्यादा वक्त से हूँ और मैं यहीं पर रहता हूँ। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यहाँ कोई अप्रिय घटना हो रही है। यहाँ पूरे 84 गांव हैं और कुलधरा में 2000 घर। पालीवाल आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत थे, तो लोगों में ये अफवाह फैली कि यहाँ ज़मीन तले बहुत जेवरात छुपा हुआ है, तो कई लोगों ने यहाँ आके खुदाई करनी शुरू की। जिसको जितना सामान, सोना, जेवरात वगैरह मिला, सब लेके रफू चक्कर हो गए। उसके कुछ वक्त बाद सरकारी लोगों ने यहाँ की संपत्ति का पता लगाया और उसको सरकारी आरक्षित कर दिया। उस वक्त कई किलोग्राम में सोना चांदी मिला था। इस घटना के बाद पुरातात्विक विभाग ने 4 दीवारी बनवाई और यहाँ सुरक्षा का बंदोबस्त किया। भूतों के बारे में क्या ही कहूँ, जो चीज़ असल में है ही नहीं। मैंने 80 साल की उम्र में बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी हैं, लेकिन कुलधरा में कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। इस झूठ के जो पंख लगे हुए हैं, उसका एक कारण भी है। अगर ऐसी बातों को हवा नहीं दी जाएगी तो यहाँ आएगा कौन? सरकारी विभाग अपनी कमाई के लिए इंटरनेट पर ऐसे झूठ फैलाते हैं। लोग भूतों की कहानियों में सच से ज्यादा झूठ में विश्वास रखते हैं। जब मैं जिंदा कुछ नहीं कर सकता हूँ तो मरने के बाद क्या करूँगा? ऐसा कुछ नहीं है, हम भेड़ बकरी चराते हुए कई बार रात में कुलधरा गए हैं। आपकी इस गांव के बारे में क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।